अब मैं निवेदन कर रहा हूं राजेश प्रिंस गाबा, पत्रकार राजेश प्रिंस गाबा के नाम से मशहूर हैं आप। आप दैनिक भास्कर भोपाल में सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टीवी एंकर, टीचर, स्पोर्ट पर्सन, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल वर्कर, स्कूल कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाते भी हैं, 15 वर्षों से स्लम के बच्चों को निशुल्क पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, गोपाल दास नीरज, गुलजार साहब, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे 2000 से अधिक विभूतियों के आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले चुके हैं। लंदन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में इंडिया को यूथ आइकॉन के रूप में रिप्रेजेंट कर चुके हैं राजेश गाबा। NCC के बेस्ट कैडेट भी रह चुके हैं, नेशनल प्लेयर कराटे के, फुटबॉल, बैडमिंटन में आपकी रुचि, हांगकांग लंदन फिल्म फेस्टिवल में भी भाग लिया और 2 नेशनल अवार्ड, लाली मीडिया अवार्ड, 1 इंटरनेशनल अवार्ड, बेस्ट एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट और मैन ऑफ द मीडिया अवार्ड भी आपको प्राप्त हो चुका है। हम राजेश प्रिंस गाबा के इन उपलब्धियों के प्रति समर्पित भाव से उन्हें दखल अवार्ड 2021 भेंट कर रहे हैं। निश्चित ही इस तरह का पत्रकारिता मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई पत्रकारिता ग्रुप है, चैनल है दखल न्यूज़ जो हमेशा एक निर्भीक पत्रकारिता करता है, अनुराग उपाध्याय जी और शिफाली गुप्ता जी, तो इस तरह का अवार्ड किया है निश्चित ही एक सराहनीय है। मैं खुद को इस लायक नहीं समझता क्योंकि हम लोग राउंड द क्लॉक काम करते हैं और ये अवार्ड मेरी पूरी टीम को, मेरे परिवार को जाता है क्योंकि शायद हम 4-4 दिन अपने परिवार को देखते हैं। इस अवार्ड के बाद निश्चित ही एक, क्योंकि मैं दैनिक भास्कर में हूँ, दैनिक भास्कर ने जो जिम्मेदारी दी है तो उसका निर्वहन कर रहा हूँ। निश्चित ही इस अवार्ड के बाद एक चुनौती और बढ़ गई है और ऐसा लगता है कि और बेहतर करना है और इस पैरामीटर के बाद और बेहतर करना है, तो मैं दखल न्यूज़ की पूरी टीम को बधाई देता हूं। और मैंने शायद पहला ऐसा फंक्शन देखा अपने 15 साल के पत्रकारिता करियर में जहां 2 प्रदेश के यशस्वी जो मंत्री हैं वो पूरे टाइम कार्यक्रम में बैठे। और निश्चित ही सबसे अहम बात यह है कि इसमें न केवल पत्रकारिता बल्कि साहित्य, कला और मेडिकल से लेकर तमाम क्षेत्रों को चुना गया है।